हदीस में कोट किया गया है उसको लेकर ये लोग क्या खुल के अपनी बात नहीं कहना चाहते, छुपाना चाहते, अपनी किताबों को भी ये छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते? हाँ बिल्कुल, बहुत अपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये भी एक दूसरा जिसको मैं कहता हूँ क्रूशियल बिंदु है, ऐसा बिंदु है जिस पर पूरा इस्लाम का भविष्य बल्कि अस्तित्व निर्भर है। वो चाहते हैं कि मोहम्मद से लोगों का ध्यान हटा रहे, इसीलिए पूरे इस्लाम की जो बुनियाद है प्रॉफिट मोहम्मद, और इसीलिए इस्लाम वर्ल्ड, बहुत लोगों को जान के शायद आश्चर्य होगा कि इस्लाम शब्द मुश्किल से पिछले 60-70 साल से दुनिया में चल रहा है। शब्द पुराना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शब्द नया है, लेकिन यह शब्द प्रचलित हुआ है पिछले 70 साल से। बाकी पिछले 1000 साल से इस्लाम का असली नाम था, जो मुख्य नाम था, जिस नाम से सारी दुनिया उनको जानती थी, उसका नाम था मोहम्मदवाद, मोहम्मेडनिज्म। आप 1960-70 से पहले का जितना भी लिटरेचर पढ़िए उसमें आपको वर्ड मिलेगा मोहम्मेडनिज्म, मोहम्मेडन। मुसलमान के लिए शब्द था मोहम्मेडन और इस्लाम के लिए शब्द था मोहम्मेडनिज्म। ये बिल्कुल सही शब्द है क्योंकि ये असलियत के आधार पर खड़ा है और सदियों से खड़ा था। वह है कि मोहम्मद पर ही इस्लाम खड़ा है, न कुरान पर खड़ा है, न हदीस पर खड़ा है, न शरीयत पर खड़ा है, वह मोहम्मद पर खड़ा है। अब समस्या क्या है, वही जो आपने प्रश्न उठाया। समस्या यह है कि अगर मोहम्मद के बारे में जो उनकी अपनी प्रमाणिक किताब, जिसको वो पवित्र किताब कहते हैं, कुरान के बराबर महत्व देते हैं, सीरा अंग्रेजी में उसको SIRA में एस को कैपिटल लिखा जाता है सम्मान देने के लिए, जैसे वो लोग गॉड को जी गॉड गॉड में जी को कैपिटल रखते हैं, उसी तरह सीरा में एस कैपिटल रखा जाता है, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी उनके लिए कुरान के बराबर महत्वपूर्ण पवित्र किताब है। समस्या यह है कि ये जो 1000 पेज की सबसे प्रमाणिक जीवनी है इब्न इशाक की या इब्न तबारी की, जो 1000 साल से पूरे मुस्लिम विश्व में है और सबसे प्रमाणिक किताब है, उसका अंग्रेजी अनुवाद बहुत हाल की चीज है, 1956 में पहली बार वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपा था और अभी भी उपलब्ध है, इब्न इशाक की द लाइफ ऑफ मोहम्मद, गुलेम ने इसका अनुवाद किया था। समस्या यह है कि इसके 1000 पेज जिसको आप अगर आप पढ़ना शुरू करें, शुरू से लेके अंत तक, बीच बीच में जहां से चाहें आप 10-20 पन्ना पढ़ाएं, वो पढ़ करके ऐसी तस्वीर सामने आती है, ऐसी तस्वीर सामने आती है कि कोई भी चतुर मुसलमान चाहेगा कि इसको दुनिया ना पढ़े, मतलब उनकी अपनी ही प्रमाणिक किताब। और वही स्थिति कुरान की भी है, कुछ हद तक कुरान की भी है, और हदीसों की और शरीयत की तो है ही, जो शरीयत के जो कथित कानून हैं और फिर ये हदीसें हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के वचन और कर्मों का लेखा जोखा है उनके अपने ही शब्दों में, लेकिन मुख्यतः प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी सीरा। इसीलिए मुसलमान लोग, और ये ट्रिक है, यही इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ट्रिकी इशू है और बहुत क्रूशियल इशू है और सबसे निर्णायक इशू है, और सच पूछिए तो इसी में इस्लाम की समाप्ति की, इस्लाम की हार की, इस्लाम की निर्णायक हार की कुंजी छिपी है, वो है प्रॉफिट मोहम्मद। और इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में लोग कम से कम जाने, क्योंकि उनकी जो छवि बनती है, चाहे जानकार के रूप में, चाहे धर्म प्रवचक के रूप में, चाहे परिवार के व्यक्ति के रूप में, चाहे कानून बनाने वाले के रूप में, या दैनंदिन व्यवहार के रूप में, किसी भी रूप में उनकी छवि कोई गौरवशाली नहीं मिलती। और यही कारण है, और यही कारण है सब लोगों ने ध्यान दिया होगा या शायद अब ध्यान दें कि कभी भी मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी का प्रचार नहीं करते। प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी, प्रमाणिक जीवनी का कोई भी अंश, 1 पन्ना, 10 पन्ना, 50 पन्ना या ये पूरी किताब इब्न इशाक वाली लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसका कभी प्रचार नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? हम विवेकानंद की जीवनी और उनकी बातें पढ़ाते हैं, हम श्री अरविंदो के बारे में पढ़ाते हैं, हम टैगोर के बारे में पढ़ाते हैं, और दुनिया में जितने प्रॉफिट हुए प्रॉफिट मोहम्मद के बाद भी और उनसे पहले पहले का छोड़िए, हम अपना देखें, ये भगवान बुद्ध से लेकर के शंकराचार्य, विवेकानंद, चक जो हमारे जिनको हम प्रॉफिट कहेंगे, पैगंबर, धर्म की बात करने वाले, ईश्वरीय बात करने वाले, उनकी जीवनी हम बड़े गर्व से
दूसरों को भी पहुंचाते हैं। क्या कारण है, क्या कारण है कि मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम लीडर, मुस्लिम जर्नलिस्ट कभी भी प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी का रेफरेंस नहीं देते, कभी भी नहीं बोलते कि आप इब्न इशाक की या अल तबारी की या किसी भी बड़े मौलाना की जो कम से कम 60-70 साल पहले वाला हो, क्योंकि पिछले 60-70 साल में वो लोग इसके प्रति कॉन्शस हो गए हैं जो आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ है। क्योंकि दुनिया इतनी नज़दीक आ गई है, मीडिया इतना सर्वव्यापी हो गया है, सारी दावों का अनुवाद इतना उपलब्ध हो गया है, और अब तो वह सबकी सब इंटरनेट पर एक क्लिक पर उपलब्ध है कि सारे मुस्लिम लीडर भीतर से इस बात के प्रति बहुत एम्बरास्ड रहते हैं कि वो दुनिया प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ना जाने। उनके निजी जीवन को छोड़िए, निजी जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और इसीलिए जब लोग उनके निजी जीवन की बातें उठाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, और जो बहुत से दूसरे विद्वान हैं वो भी कहते हैं, कि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो प्रॉफिट मोहम्मद का जीवन एकदम साफ सुथरा होता, वो बिल्कुल कुंवारे ही रहते, सन्यासी ही रहते, लेकिन एग्जैक्टली जो शिक्षाएं उन्होंने दी हैं और एग्जैक्टली जो उन्होंने काम किए हैं वो अगर करते तो हमारे लिए उतने ही खतरनाक, हमारे लिए उतने ही निंदनीय और आलोचना के पात्र होते। इसीलिए काफिरों को, गैर मुसलमानों को प्रॉफिट मोहम्मद की निजी जिंदगी को प्रमुख आलोचना का विषय नहीं बनाना चाहिए, उससे हमें कुछ नहीं मिलता। हमें किस चीज से हम किस चीज से प्रभावित हैं कि उन्होंने काफिरों के बारे में क्या कहा, कुरान में जो कहा, हदीस में जो कहा, और उनकी जीवनी जो बताती है और जो शरीयत जो बताती है, वही इतना भयावह है, वही हमारे लिए इतना चिंताजनक है, और वो कोई किताबी बात नहीं है। ये भी एक नोट करने की बात है कि ये तबी बात नहीं है। इस्लाम एकमात्र सिद्धांत है दुनिया का जिसका सिद्धांत और व्यवहार लगभग 100% मैच करता है। आम तौर पर सिद्धांत बड़ा आदर्श होता है और व्यवहार में लोग भटक जाते हैं। इस्लाम एकमात्र दुनिया का सिद्धांत है जिसमें उससे व्यवहार के उसके व्यवहार से भटकाव को हमेशा बड़ी कड़ाई से चेक किया गया है, और उसके लिए स्वयं मुसलमानों को भी बड़ी संख्या में मारा गया है। आखिर आयतुल्लाह खुमैनी ने किन मुसलमानों को मारा और किस लिए मारा? तालिबान ने किन मुसलमानों को मारा और किस लिए मारा? इस्लामी स्टेट ने किन को मारा? सिर्फ मुसलमानों को मारा। किस लिए मारा? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बताए हुए राह से भटकने की जरूरत की, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत समय के साथ अपने में बदलाव कर लिया, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन के सदस्य हो गए, क्योंकि वो काफिरों के साथ उठने बैठने लगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में जिहाद छेड़ने का अपना धंधा बंद कर दिया। इसीलिए आयतुल्लाह खुमैनी नाराज थे, तालिबान नाराज थे, इस्लामी स्टेट नाराज था, अलकायदा नाराज था, ओसामा बिन लादेन नाराज थे, मोहम्मद इकबाल नाराज थे, हमारे जितने ये मौलाना हैं देवबंदी और तबलीगी सब इसीलिए नाराज होते हैं। ये दिखाता है कि इस्लाम का व्यवहार हमेशा उसके सिद्धांत से 100% मैच करने वाला रहा है, लेकिन स्थिति यही है कुल मिलाकर के कि वो अपनी इन अपने इस इतिहास को छिपाना चाहते हैं, कम से कम पिछले 60-70 सालों से, या कहना चाहिए रफली 100 सालों से, क्योंकि दुनिया डेमोक्रेटिक हो गई, दुनिया एक दूसरे से जुड़ गई, दुनिया में एक बुद्धिवाद आया, वो हर चीज़ को बुद्धि से परखते हैं, और यहाँ पर बेचारे इस्लाम की हालत बड़ी ख़राब है। वो अपने भी मुसलमानों को भी वो आधे से अधिक बातें झूठी बताता है। और मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि अभी ये नुपुर शर्मा वाले एपिसोड में बहुत से मुसलमानों ने टिप्पणी की है सोशल मीडिया पर कि अरे हम तो ये जानते ही नहीं थे, ऐसी बात हुई थी क्या, सचमुच प्रॉफिट के जीवन में ये हुआ था? और जब हमने चेक किया तो पाया कि ये तो सही बात है। तो ये एक सिर्फ छोटा सा उदाहरण है, यह दिखाता है कि स्वयं मुसलमानों को भी इस्लामी लीडर प्रॉफिट के बारे में, इस्लाम के इतिहास के बारे में झूठी बातें बता करके ही अपने साथ रख पाते हैं। क्योंकि अगर प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल सही सही वो बताएंगे तो आधे से ज्यादा मुसलमान बच्चे ही भाग जाएंगे कि ये किसकी कथा हमें सुना रहे हो। और ये मैं अनुमान से नहीं कह रहा हूँ, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं जिनकी किताबें भी सामने हैं, प्रकाशित हैं, इंटरनेट पर भी हैं और उपलब्ध भी हैं, चाहे वो इब्न बराक हो या हरिस सुल्तान हो, वफा सुल्तान हो या हिरसी अली हो, जितने भी लोगों ने तस्लीमान नसरीम हो, सब ने लिखा है कि जब उन्होंने प्रॉफिट के बारे में जानने की खुद कोशिश की,
जब उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि अरे इतने महान हमारे नेता थे जिन्होंने दुनिया का इतना महान धर्म चलाया, जो दुनिया के आखिरी प्रॉफिट थे, ऐसी महान हस्ती के बारे में हम खुद पढ़ना चाहते हैं, खुद जानना चाहते हैं और अधिक जानना चाहते हैं। और जब भी किसी मुसलमान ने जब ऐसा प्रयत्न किया तो 10 में से 6-7 मुसलमान इस्लाम से ही तौबा कर बैठे, और ये आज भी स्थिति है। इसलिए आपने जो कहा, मैंने थोड़ा लंबा उत्तर दिया है, लेकिन उत्तर यही है कि वास्तव में मुस्लिम लीडर, मुस्लिम मौलाना, मुस्लिम पत्रकार और आम तौर पर जो चतुर मुसलमान हैं, वे नहीं चाहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बातचीत की जाए। वो बहाना बनाते हैं कि यह हमारे सम्मान का मामला है। असलियत यह है कि वो प्रॉफिट की वास्तविकता से दुनिया को छिपा करके रखना चाहते हैं, क्योंकि वो वास्तविकता गौरवशाली नहीं है।